जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीएसटीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, ठीक है। यहां पर मैं बात करूंगा एक मार्क्स का क्राइटेरिया। यदि आपके इस रेंज के अंदर अंदर मार्क्स आ रहे ना, तो आपको बिल्कुल श्योर है कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस मार्क्स के अंदर अंदर, इस क्राइटेरिया के अंदर अंदर यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल श्योर है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। ऑफलाइन पेपर था आपके पास, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वालों ने आंसर की डाल दी है, आपने अपनी आंसर की मैच कर ली होगी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो एक बहुत बड़े सर्वे पर आधारित है। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स से डायरेक्टली कांटेक्ट किया है, स्पेशली उन कैंडिडेटों से जिन्होंने पिछली बार भी पेपर दिया था और जिन्होंने अब की बार भी पेपर दिया है। पिछली बार उनका कुछ मार्क्स की वजह से अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया या उनको कॉलेज नहीं मिल पाया, और अब की बार उनके पूरे चांस है कि उनको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, जैसा वो चाह रहे थे, अपने नियर वाला बहुत अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा उनको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कैटेगरी वाइज में यहाँ पर मेल और फीमेल तरीके से डिवाइड कर रखा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेल की और फीमेल की, ठीक है। जनरल में यदि आपके 410 से 415 के बीच में स्कोर हो रहा है और यदि आप मेल हो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी में यदि आपके 390 से 395 के बीच का स्कोर हो रहा है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 385 से 385 के बीच का स्कोर हो रहा है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। एससी से यदि आपके 360 से 365 के बीच का स्कोर हो रहा है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। एसटी से यदि आपके 350 से 355 के बीच का स्कोर हो रहा है, तो बिल्कुल श्योर है आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब यदि हम बात करें फीमेल की, फीमेल में यदि आप जनरल से हो, आपके 390 से 395 के बीच का स्कोर हो रहा है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। यदि आप ओबीसी से हो फीमेल और आपके 380 से 385 के बीच का स्कोर हो रहा है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। EWS से यदि आप फीमेल हो, 360 से 365 के बीच का स्कोर हो रहा है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। यदि आप SC से फीमेल हो, आपके 350 से 355 के बीच का स्कोर हो रहा है, आपको बिल्कुल श्योर है कॉलेज मिल जाएगा। और यदि आप ST से फीमेल हो और आपके 340 से 345 के बीच का स्कोर हो रहा है, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक रेंज है जिसके बीच में यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल श्योर है आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। आपको वेटिंग लिस्ट का किसी भी हाल में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पर पहली लिस्ट में ही आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, प्लीज कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना।